ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का एक बार पुनः अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। चर्चा का विषय था कि बृहस्पति गुरु बृहस्पति देवगुरु जब एक से लेकर के बारहवें भाव में मेष से लेकर मीन राशि तक हर राशि के पृथक पृथक भाव में होंगे तो कहाँ पर कैसा फल देंगे, कहाँ पर उच्च का फल देंगे, कहाँ धन देंगे, कहाँ सुख देंगे, कहाँ परेशानी देंगे, वो सब मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मैं अब तक चर्चा कर चुका हूँ कर्क राशि तक, अब मैं सिंह राशि की चर्चा करूँगा। तो मित्रों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, सब्सक्राइब करके जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और उसके बाद जाइए आप, जो सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आगे और वीडियो बनाने को प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आगे फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करेगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को खाली देख करके छोड़ कर ना जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर पढ़िए देखिए और कमेंट में कुछ नहीं लिखना है तो श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए। तो मित्रों सिंह राशि के प्रथम भाव में अगर बृहस्पति बैठे हों तो सिंह राशि के प्रथम भाव का मतलब लग्न भाव में, लग्न भाव में बृहस्पति अच्छा फल देंगे क्योंकि सिंह सूर्य की राशि है। जातक बुद्धिमान होगा, सुंदर होगा, हसमुख होगा, जातक की याददाश्त अच्छी होगी, जातक की इच्छा शक्ति दृढ़ मजबूत होगी और जातक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा, उच्च कोटि का होगा। पंचम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो पंचम पर गुरु की दृष्टि पड़ने से जातक को संतान का योग बन रहा है, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, जातक का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, सहयोगियों से यानी पार्टनर से और डेली वेजर से अच्छे संबंध रहेंगे, जातक के पिता से अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का पूर्ण आदर सम्मान करेगा और पिता का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा। तो जातक को जातक की प्रवृत्ति धार्मिक होगी, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करेगा और कट्टर धार्मिक होगा। जातक की विदेश यात्राएं भी संभव हैं, विदेश यात्राएं करेगा और विदेश यात्राओं से लाभ भी होगा। तो मित्रों अब मैं सेकंड हाउस में चलता हूँ। सेकंड हाउस माने द्वितीय भाव, धन का भाव। धन भाव में बृहस्पति का यह कारक ग्रह है, कारक भाव है, कारक घर है, तो बृहस्पति उच्च का फल देंगे। जातक को धन भाव के सर्वाधिक कारक बृहस्पति धन की वर्षा करके जातक को करोड़पति बना सकते हैं। धन भाव में बैठकर बृहस्पति बुध की राशि में आए तो जातक को बना रहे हैं करोड़पति। जातक को रोग से ऋण से मुक्ति मिलेगी, जातक के शत्रु होंगे तो शत्रु कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, शत्रुओं से भी डर के मारे भाग जाएंगे, शत्रु परेशान नहीं कर पाएंगे। और जातक के अगर कोर्ट कचहरी में कुछ केस चल रहे हैं उनमें भी सफलता मिलेगी। जातक हाँ थोड़ा बहुत परेशानी तो आएगी आएगी, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत करनी पड़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी थोड़ा विलम्ब से सफलता तो मिलेगी, लेकिन विलम्ब से मिल सकती है, तो सफलता मिलेगी जातक को, सफलता तो प्राप्त होगी। जातक अपने जीवन में उन्नति के पथ पर, उन्नति के लिए जो जो सुख सामग्री चाहिए सब कुछ पा लेगा। जातक सारी बाधाओं को, रोड़ों को अपने पथ में, उन्नति के पथ में जो जो बाधाएं आएंगी सबको पार करके और नए नए अवसर प्राप्त करेगा अपनी उन्नति के, सफलता के। सफलता तो मिलेगी द्वितीय भाव में, धन भाव में सफलता तो मिल रही है भाई। थर्ड हाउस में अगर बृहस्पति देव आ गए
तो थर्ड हाउस देखिए पराक्रम का भाव होता है। यहाँ जातक यहाँ भी सभी की बृहस्पति कृपा नहीं पा पा, क्यों? जातक थर्ड भाव है ना, तीसरा छठा आठवा बारहवा भाव अच्छे नहीं होते हैं, तो जातक जो यहाँ पर कभी भी बृहस्पति की कृपा नहीं पाएगा। जातक को पिता तथा बड़े भाई बहनों से कोई भी सहयोग नहीं मिलेगा, सहायता नहीं मिलेगी, दोनों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, पिता से भी और बड़े भाई बहनों से भी। व्यर्थ में कठिन परिश्रम करेगा पर जातक को लाभ नहीं मिलेगा। जातक व्यर्थ की हानिकारक छोटी छोटी यात्राएं कर सकता है। जातक का जीवन में संघर्ष करता रहेगा, संघर्षपूर्ण जीवन रहेगा, सफलता पाने के लिए बड़े संघर्ष करने पड़ेंगे। वैवाहिक जीवन ठीक नहीं है, पार्टनर से तथा डेली बेजर से कोई सहयोग नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जातक पूर्ण रूप से धार्मिक तो होगा, जातक को बहुत परिश्रम और संघर्ष के बाद कुछ लाभ प्राप्त होंगे। छोटी छोटी हानिकारक यात्रा हो सकती है, यात्राओं से लाभ नहीं होगा, और छोटी छोटी बीमारियां भी लेकर रह सकती हैं, बीमारियां भी तंग करेंगी। तो फोर्थ हाउस के आ गए, फोर्थ हाउस में जब बृहस्पति आ गए तो यहाँ अच्छे परिणाम बृहस्पति दे सकते हैं, यहाँ अच्छे परिणाम मिलेंगे। जातक की भूमि भवन वाहन का लाभ मिलेगा, भूमि भवन वाहन के क्रय प्रक्रिय से लाभ मिलेगा। जातक के माता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, माता का प्यार मिलेगा, माता का आशीर्वाद मिलेगा और माता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिश्रम से जातक अपने जीवन पथ की सारी बाधाएं दूर कर सकेगा और सुख समृद्धि की सारी चीज़ें पा सकेगा। कार्य क्षेत्र में और भी ज़्यादा लाभ होगा, माता के साथ माता के आशीर्वाद की वजह से कार्य क्षेत्र में भी, क्योंकि चतुर्थ भाव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, तो दशम भाव में भी कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध रहेंगे, कठिन परिश्रम से लाभ मिलेगा, सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, कार्य क्षेत्र में अच्छा होगा, तभी कार्य क्षेत्र में तरक्की के नए नए आयाम मिलेंगे। जातक को अपने बुद्धि कौशल का दिखाने के लिए कि मैं कितना चतुर हूँ, ये सब आपको अच्छा मौका मिलेगा, नए नए आयाम मिलेंगे कि अपने बुद्धि कौशल से आप सिद्ध करिए कि आप कितने योग्य हैं, उसमें जातक सफल होकर के उच्च शिखर तक पहुँचेगा। विदेशी यात्राएँ होंगी और विदेश में जातक व्यवसाय करेगा या नौकरी करेगा उसमें सफलता हासिल होगी। जल्दी जल्दी विदेशी यात्राएं संभव हैं, कार्य क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलेगी। तो जातक को भाई चौथा भाव तो सुख का भाव था, इस भाव के बृहस्पति अच्छा फल दे रहे हैं। पंचम भाव में जातक की लगन पत्रिका में अगर बृहस्पति फिफ्थ हाउस में उच्च के होकर बैठे हों, उनका सहयोग कोई अच्छा ग्रह दे रहा हो, तो यहाँ बहुत ही अच्छा फल देंगे, अन्यथा खराब फल देंगे। जातक हो सकता है, जातक को धन की प्राप्ति होगी अचानक, अकस्मात धन की प्राप्ति हो सकती है। जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति के योग हैं, बृहस्पति पंचम हाउस में बैठकर पुत्र संतान देंगे और पुत्र से लाभ होगा, पुत्र को लाभ होगा, पुत्र परीक्षा में अच्छी तरक्की करेगा। जातक के अगर कोई प्रेम संबंध चल रहे थे तो प्रेमी लौटकर वापस आएगा और प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, जातक तेज दिमाग वाला तथा तेज याददाश्त वाला, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा। जातक के पिता से अच्छे संबंध होंगे, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का मान सम्मान आदर करेगा, जिसकी वजह से लाभ मिलेगा। जातक विदेशी यात्राएं कर सकता है और विदेशी यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। तो अच्छी अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया भाई लाभ मिल रहे हैं विदेश से, तो और विदेश में जाकर रह भी सकता है, विदेश में जाकर के बस सकता है, विदेश में व्यापार कर सकता है, विदेश में नौकरी कर सकता है, सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं जातक को। जातक को सभी प्रकार के लाभ मिल रहे हैं और जातक का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा, सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान, नीतिमान, ज्ञानवान, धर्मवान रहेगा। तो जातक को पांचवा भाव बड़ा अच्छा बना रहा है। अब मैं छठे भाव पर चलता हूँ।
तो जातक छठे भाव में, छठा तो आप जानते हैं 3, 6, 8, 12 चारों घर पत्रिका में अच्छे नहीं होते, तो छठे भाव में यहाँ बृहस्पति कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। जातक रोग ऋण से मुक्ति नहीं पाएगा, रोग लगे रहेंगे, बैंक का ऋण चुका नहीं पाएगा, एक्सीडेंट होंगे तो चोट चपेट ज़्यादा लगेगी, दुर्घटनाएं होंगी तो चोट तो लगेगी लेकिन ज़्यादा लगेगी इसमें, शत्रु होंगे तो शत्रु परेशान करेंगे, कोर्ट कचहरी में केस चल रहे हैं तो उनको भी सफलता नहीं मिलेगी, हार जाएगा। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में जातक शामिल हो रहा है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता नहीं मिलेगी, और सफलता मिली तो बहुत विलंब से मिलेगी। जातक को कार्य क्षेत्र में अथवा व्यवसाय में बाधाएं आएंगी, नौकरी की जगह तरक्की नहीं मिलेगी, हानि होगी, पैसे की हानि होगी, व्यवसाय में तरक्की नहीं मिलेगी, आर्थिक स्थिति अस्थिर रहेगी और डामाडोल रहेगी, बुरी रहेगी। जातक को परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी, जातक को रोजगार के सिलसिले में परिवार से दूर रहना पड़ सकता है, जातक की वाणी तीखी उग्र रहेगी जिससे नुकसान हो सकता है। अब सेवेंथ हाउस में आ गए तो सेवेंथ हाउस में यहाँ पर बृहस्पति अच्छा फल देंगे, सातवां घर परिवार का घर, पत्नी का घर, व्यापार सहयोगियों का घर, तो वैवाहिक जीवन में अच्छा समय बीतेगा, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, जीवन में स्टेबिलिटी स्थायित्व आएगा, व्यवसाय के पार्टनर से अच्छा संबंध रहेगा, डेली बिजनेस के साथ अच्छा संबंध रहेगा, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे जिसमें जातक सफलता प्राप्त करेगा, जातक को धन की अच्छी प्राप्ति होगी जिससे जातक प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, जातक को बड़ा मेंटल सुकून मिलेगा, भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, पूर्ण सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं कर सकता है जातक, यात्राओं से लाभ मिलेगा, बीमारियां भी थोड़ी बहुत लगी रहेंगी जो कि बीमारियां भाग जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। जातक अधिक परिश्रमी होगा और परिश्रम करके लाभ पाएगा। अब हम आठवें भाव पर चलते हैं। देखो आठवें भाव के बृहस्पति सिंह राशि के, तो यहाँ तो अगर विपरीत राजयोग में बृहस्पति यहाँ पर बैठे हो तो अच्छा फल दे सकते हैं, वरना तो बुरा ही फल देंगे, अन्यथा जो है अच्छा विपरीत राजयोग में तो अच्छा फल दे सकते हैं अन्यथा बुरा। जीवन पथ पर बाधाएं बाधाएं आएंगी जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी, समाप्त होने का नाम ही नहीं लेंगी, व्यर्थ के खर्चे लगे रहेंगे जिनसे हानि, धन की हानि होगी, जातक की आर्थिक स्थिति अस्थिर और खराब रहेगी, अनस्टेबल फाइनेंशियल कंडीशन, जातक का परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी, परिवार का कुटुंब का कोई भी व्यक्ति सहायता नहीं करेगा, और जातक को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए परिवार से दूर विदेश तक में रहना पड़ सकता है, जातक की वाणी उग्र होगी, तीखी होगी, वाणी से नुकसान पाएगा, जातक के माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, और जातक अगर सुख साधनों को खरीदना चाहता है, भूमि भवन वाहन क्रय विक्रय चाहता है करना, तो उसमें लाभ नहीं हानि मिलेगी, तो भाई विदेशी यात्राएं होंगी लेकिन उनसे भी लाभ नहीं मिलेगा। तो जातक को अष्टम भाव में बैठकर बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम निरर्थक रहेगा, परिश्रम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब हम नाइन्थ हाउस में चलते हैं। नाइन्थ हाउस के बृहस्पति यहाँ उच्च का फल देंगे, नाइन्थ हाउस भाग्य का भाव है, भाग्य वर्धन करेंगे, पिता के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, पिता का पूरा मान सम्मान करेगा और पिता का आशीर्वाद मिलेगा, पिता का पूरा सहयोग मिलेगा, जातक को धार्मिक प्रवृत्ति होगी, कट्टर धार्मिक होगा, जातक पूरी तरह से धर्म पर आचरण करेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, जातक का व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, सुंदर शरीर, ज्ञानवान, धर्मवान, नीतिवान, बुद्धिमान, सब तरह से अच्छा, और मधुर वाणी होगी, कर्णप्रिय वाणी होगी, जातक के छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे, थर्ड हाउस बता रहा है, दृष्टि पड़ रही है, जातक अति परिश्रमी होगा, अति परिश्रम करके जातक लाभ उठाएगा,
जातक जो कठिन परिश्रम करेगा उसका उसको पूरा लाभ मिलेगा। जातक छोटी छोटी विदेशी यात्रा करेगा जिनसे उसको लाभ मिलेगा। जातक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होगा, स्ट्रॉन्ग विल पावर का होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ होगा। जातक की याददाश्त बहुत अच्छी होगी। जातक को अच्छा धन लाभ हो सकता है। जातक को पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। पुत्र का योग है, पुत्र से लाभ मिलेगा, पुत्र को लाभ मिलेगा। अगर जातक का कोई प्रेम संबंध चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो उसमें सक्सेसफुल सफलता मिलेगी। तो जातक स्वस्थ शरीर वाला निरोगी रहेगा। हाँ, कभी कभी उधर की समस्याएं, उधर पीड़ा आ सकती है, तो वो तो कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो जातक के लिए नाइन्थ हाउस के बृहस्पति बहुत अच्छा फल दे रहे हैं भाई। अब हम चलते हैं दसवें भाव में। तो दसवें भाव के बृहस्पति क्या करेंगे? दसवें भाव के बृहस्पति, दसम भाव में बृहस्पति कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में लाभ प्रदान करेंगे, तरक्की होगी। जातक अच्छा अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करेगा, नए नए अपने योग्यता दिखाने के अवसर पर लेंगे, जिसको वो सफलता प्राप्त करेगा। और जातक उच्च शिखर पर पहुँचेगा, व्यापार हो चाहे नौकरी हो। दसम भाव के बृहस्पति तो उच्च से उच्च स्थान दिलाते हैं। जातक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी, स्टेबल, स्थिर, सुंदर, अच्छी रहेगी। जातक को पैसे की कोई कमी नहीं होगी। परिवार से पूर्ण सहयोग मिलेगा। परिवार में छोटे भाई बहन बड़ा सहयोग देंगे। जातक अपनी माता का पूरा ख्याल रखेगा, माता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा, माता का सुख मिलेगा। और चतुर्थ भाव से सुख साधन की सारी सामग्रियां, भूमि, भवन, अच्छा वाहन सब मिलेगा। और सुख की पाने की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं, जातक उनको पाने में समर्थ होगा। सब कुछ चीज़ें मिलेंगी उसको। जातक की वाणी मधुर होगी और कर्णप्रिय होगी। तो जातक जो है यहाँ इस भाव में बैठ करके, दसम भाव में बैठ करके बृहस्पति बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं। और दसम भाव से बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव में। तो चतुर्थ भाव से जैसे मैंने बताया कि भूमि, भवन, वाहन सब कुछ, बड़े बड़े बंगले मकान प्राप्त होंगे, गाड़ी प्राप्त होंगी। और छठे भाव में जातक को रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी और कोर्ट कचहरी के केस में सफलता मिलेगी। कोई अगर दुर्घटना होगी तो कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुँचेगा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में जातक बैठेगा तो सफलता हासिल करेगा। बहुत अच्छा रहा दसवां भाव। तो ग्यारहवें भाव के बृहस्पति, यहाँ भी बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। ग्यारहवां भाव लाभ का भाव है। लाभ भाव के बृहस्पति तो लाभ ही लाभ पहुँचाएंगे। तो बड़े भाई बहनों से, ग्यारहवें भाव से बड़े भाई बहनों से अच्छे संपर्क रहेंगे। भाई बहन सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। एकादश भाव के बृहस्पति हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ दिलाएंगे। नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, धन की अच्छी आमद होगी। धन, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पैसा अच्छा आएगा, धन की हानि नहीं होगी। छोटी मोटी बीमारियां तो हो सकती हैं जो कि ठीक हो जाएंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। जातक कठिन परिश्रमी होगा, जातक को परिश्रम का लाभ भी मिलेगा। जातक को पांचवें भाव से सुंदर पुत्र प्राप्ति की होगी। यदि किसी पुराना प्रेम प्रसंग चल रहा है तो प्रेमी लौट के आएगा और वापस आकर के आपसे अच्छे संबंध होंगे, शादी, प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो जातक को देखो भाई, बड़ा अच्छा मिल रहा है, सुंदर सुंदर सब पैसा मिल रहा है, प्रेमी प्रसंग मिल रहा है, संतान मिल रही है, तो सब कुछ तो अच्छा अच्छा मिल रहा है। जातक को थोड़े खर्चे ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, खर्चे करेगा तो उन पर लाभ ही मिलेगा, तो खर्चों पर विजय प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं है खर्चों के लिए पैसा नहीं आए, पैसा की आमदनी भी अच्छी रहेगी। तो जातक को ग्यारहवें भाव से अच्छा फल मिला। अब देखिए बारहवें भाव में क्या होता है। 3, 6, 8, 12, बारहवें भाव में बृहस्पति बैठ करके अधिकतर बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं, खराब ही परिणाम देते हैं। तो बारहवें भाव खर्च का भाव है। तो अच्छे परिणाम तभी देंगे जब यहाँ विपरीत राजयोग बन रहा हो। बृहस्पति की महादशा दशा में यहाँ विपरीत राजयोग बन जाए अगर, तो अच्छा परिणाम दे सकते हैं, अन्यथा बुरा ही फल देंगे। जातक
को अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, हर क्षेत्र में विपरीत परिणाम ही मिलेंगे। व्यर्थ के हानिकारक खर्चे होंगे, जातक के माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, माता का आशीर्वाद नहीं मिलेगा, माता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, जातक को भूमि भवन के वाहन के क्रय विक्रय में लाभ नहीं मिलेगा, हानि मिलेगी। जातक को सुख सुविधाओं की सारी वस्तुएं खरीदने के लिए बड़ा जीतोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता हासिल नहीं होगी। जातक कठिन परिश्रम करेगा, लेकिन कठिन परिश्रम का लाभ नहीं मिलेगा। सिक्स हाउस में जातक को क्या है, सिक्स हाउस पर दृष्टि जा रही है तो रोग से ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। बैंक से कोई लोन लिया है चुकता नहीं कर पाओगे, किसी को पैसा उधार दिया है वापस नहीं आएगा। दुर्घटनाएं होंगी तो उसमें हानि होगी, शत्रु अगर होंगे तो परेशान करते रहेंगे, कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है, कोई लंबा लंबित केस है उसमें हार जाओगे, उसमें लाभ नहीं मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर सम्मिलित हो रहे हो तो सफलता नहीं मिलेगी, या सफलता जैसे तैसे मिली तो बहुत विलंब से मिलेगी भाई। तो आपको जीवन के उन्नति के लिए, जीवन में सुख साधनों की प्राप्ति के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको सुख सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पाएंगी और जातक का जीवन सुखी नहीं रह पाएगा। जातक परिश्रम भी करेगा तब भी धन लाभ नहीं हो पाएगा, खर्चा अधिक होगा और जातक मानसिक असंतुष्टि से रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। तो बारहवा भाव तो भाई बहुत खराब है। तो मैं अब मित्रों यहाँ विराम लूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल प्रेस कर दीजिए, तो मेरे अगले वीडियो की सूचना आपके पास तुरंत पहुँच जाएगी। तो मित्रों अब मैं विदा लूँगा, आगे आऊँगा तो कुछ और चर्चा करूँगा। नमस्कार।